तस्वीरों में नजर आए मंदिर को अगर हम दुनिया का सबसे बड़ा अजूबा कहें तो इसमें कोई बेमानी नहीं होगी। जहां पर सिर्फ एक चट्टान को काटकर ऐसा मंदिर बनाया गया है जिसे देखकर आप बेहैरान रह जाओगे। यहां गौर करने वाली बात यह है कि पांडु पुत्र भीम ने महाभारत काल में इस मंदिर को सिर्फ एक रात में तैयार किया और ये अब तक के इतिहास में एक ऐसा अकेला निर्माण है जो ऊपर से नीचे की तरफ बना हुआ है। दरअसल हम बात कर रहे हैं मंदसौर में स्थापित धर्मराजेश्वर मंदिर की। ये मंदिर अपने आप में जितना अनोखा है उससे कई ज्यादा अनोखी इसकी स्थापना की कहानी है। आइए आपको उसके बारे में बताते हैं। धर्मराजेश्वर मंदिर का निर्माण भीम ने चंबल नदी से प्रेम में किया। कहते हैं कि भीम ने चंबल के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा था। इस पर चंबल ने भीम के सामने एक रात में मंदिर निर्माण की शर्त रख दी। मान्यता के अनुसार भीम ने एक रात को 6 महीने का करके मंदिर बनाया। भीम ने एक बड़ी चट्टान को ऊपर से तराशकर एक खास मंदिर का निर्माण किया। ये मंदिर अपनी अनोखी वास्तुकला के लिए पूरी दुनिया में विख्यात है। जमीन के अंदर होने के बाद भी सूरज की पहली किरण इसके गर्भगृह तक जाती है। मंदिर के अंदर आज भी भीम की सोती हुई प्रतिमा मौजूद है। इस मंदिर को दोनों तरफ से नापने पर अलग अलग लंबाई निकलती है। आधुनिक इंजीनियरिंग को चुनौती देते हुए इस मंदिर को देखकर लगता ही नहीं कि ये मंदिर सदियों पूर्व बनाया गया है। मंदिर में शिव और विष्णु दोनों एक ही गर्भगृह में विराजित हैं। ये एक रॉक कट टेंपल है जो चट्टानों को काटकर बनाया गया है। अपनी इन तमाम खासियत की वजह से धर्मराजेश्वर मंदिर श्रद्धालुओं के साथ पर्यटकों के आकर्षण का भी केंद्र बन गया है। महादेव मंदिर है जो हरिहर विष्णु भगवान यानी भोलेनाथ, विष्णु भगवान भोलेनाथ दोनों का है। ये मंदिर यहाँ पे बिना नंदी के शिवलिंग है, यहाँ पे नंदी नहीं है। और ये हरिहर का मंदिर है ऊपर से बनता बनता नीचे आए हैं। यहाँ की ये सबसे मुख्य विशेषता है कि पूरा एक ही पत्थर से बना हुआ है। यहाँ पे जो सामने जो सूरज पोल है, सूर्य की सबसे पहले किरण मंदिर के घर में गिरती है। मेन गेट पे काल भैरव और माता जी का स्थान है। यह मंदिर काफ़ी वर्ष पुराना है। प्राचीन कालीन यह मंदिर पांडवों का जब अज्ञातवास हुआ था तो पांडवों ने बनाया था यह मंदिर, और एक ही रात में चट्टान को काट कर ये मंदिर बनाया था। यहाँ पे शिवरात्रि पर अब की बार मैं आया हूँ दिल्ली से, तो मैं आज आया ही हूँ ये देखने के लिए धर्मराजेश्वर और धनमर केव। इसके बाद मैं अभी कोल्डुंग को भी जाऊँगा, कोल्डी केव भी, तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। मैं ये प्रत्नतत्व जो है आर्कियोलॉजी ये सब में थोड़ा सा दिलचस्प रखता हूँ, और ये देखने के लिए बहुत ही है, क्योंकि ये जो धर्मराजेश्वर टेम्पल है ये आपका एलोरा जैसे कैलाश जो टेम्पल है जो मोनोलिथिक बोलते हैं, एक पत्थर को काट के ऊपर से नीचे तक किया है, ऐसा मंदिर बहुत कम है। हमारे पूरा भारतवर्ष में 2 है और एक तमिलनाडु में है, वो भी फिनिश नहीं है। तो ये तो एक देखने का बहुत बड़ा चीज़ है यार। मैं तो बहुत बहुत आनंद मिला मेरे को देख। धर्मराजेश्वर का ये मंदिर जो एक शिला को तराशकर बनाया गया है, उसमें छोटे बड़े कई मंदिर और गुफाएं हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए राहुल धनगर की रिपोर्ट।